हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग तीन भाग देख लिए थे, चार भागों में बांटा गया था, एक लास्ट भाग बच गया है जिसको हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, पठार। ठीक है, इसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ हमारे भाई कह रहे थे कि सर आप बहुत छोटा लिख रहे हैं, देखने में दिक्कत होती है, इसलिए आज हम थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उस दिन हम इसके अगले वीडियो में बनाए थे उसमें द्वीप पढ़ाए थे, तो उसमें एक द्वीप आपका छूट गया था, उसको देख लीजिएगा। ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ तमिलनाडु ये है, तो यहीं पर आपका एक द्वीप है, उसका नाम है अम्मन द्वीप। द्वीप, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बस याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। आइए हम लोग पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पठार, पठार को हम लोग प्राय द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्राय द्वीप के नाम से जानते हैं, और क्या नाम है इसका, और एक नाम है प्राचीन का गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको प्राचीन का गोंडवाना लैंड और प्रायद्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पठार का वर्गीकरण करते हैं, फिर उसके बाद इसका अध्ययन करते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो पठार का जो अध्ययन, पठार का जो वर्गीकरण होगा वो होगा पांच भागों में। ठीक है, देखिएगा, पहला जो आपका होगा वो होगा केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका पूर्वी पठार। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, अब आपका हो जाएगा यहाँ पे एक दक्कन का पठार। अब उसके बाद हो जाएगा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो है कि पठार को हम लोग चार पांच भागों में बांटे हैं। ठीक है, पहला केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार, चौथा दक्कन का पठार, और पांचवा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब आइए अध्ययन करते हैं बारी बारी से। केंद्रीय उच्च भूमि को हम लोग पांच भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो होगा वो आपका होगा अरावली पर्वत, दूसरा आपका होगा मालवा पठार। ठीक है, तीसरा जो होगा आपका वो होगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठार। चौथा जो होगा आपका विंध्याचल पर्वत, उसके बाद जो होगा आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो पांच भागों में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आइए बारी बारी से हम लोग एक एक को देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो केंद्रीय भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे अरावली पर्वत। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत नहीं, एक पर्वत नहीं है, इस पे कई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला कर रहे हैं। आइए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है कि अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे
ये रहेगा आपका कौन सा पठार, ये हो जाएगा आपका अरावली पर्वत, ये अरावली है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे आप ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होगा आपका मालवा का पठार होगा। ठीक है, इसके पूर्व में यहाँ ये वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा बुंदेल खंड पठार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड पठार। ठीक है, इसके नीचे यहाँ देखिएगा, इसे इसके दक्षिण में ये एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आपका एक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे, तो आइए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब अरावली जो है पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इस पे कई पहाड़ियाँ होंगी। ठीक है, अरावली पर्वत के बारे में हम लोग देखते हैं, ये एक ऐसा पर्वत है प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, प्राचीन मोड़दार पर्वत है, इसको हम एक नाम और देंगे, क्या अवशिष्ट या अपरदित पर्वत। ठीक है, प्राचीन का मतलब है कि ये अपने अंतिम काल में है, जैसे कि जन्म किसी का होता है तो उसका मृत्यु तय रहता है, तो जैसे कि कोई यंग लड़का है, बच्चा है, वो अपने जब यंग रहेगा तो क्या होगा, उसका ग्रोथ होता रहेगा, और जैसे ही वो वृद्ध होगा तो झुक जाएगा, उसको किसी का सहारा चाहिए, जैसे कि लाठी वाठी लेके चलेगा। तो आइए इस प्रकार से हम समझ लेते हैं आप पहले, तब तो उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक आकृति बनाता हूँ। ठीक है, ये एक आकृति है। ठीक है, ये है क्या, अगर 1000 मीटर से ऊंची आकृति रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्वत, और 800 से 1000 मीटर तक ही रहेगा या इससे कम, 1000 मीटर तक रहेगा या इससे कम 1000 से, तो उसको हम लोग पहाड़ी नाम देंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे बादल बना, यहाँ से बारिश हुई, ठीक है, हवा चली, और जो है कि प्रकाश पड़ा इस पे सूर्य का, तो इसका क्या हुआ, क्षय हुआ। तो ये पहाड़ी जो है ऐसे निरंतर क्षय होने के कारण ये ऐसे हो गई, घट गई। ठीक है, इसको पहाड़ी हम लोग नाम देंगे, अगर 1000 मीटर से कम की ऊंचाई पर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे अरावली पर्वत जो है कि प्राचीन है, मतलब अंतिम काल में है अपने, ठीक है, जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, तो प्राचीन मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं, मोड़दार पर्वत ऐसे पर्वत जिनमें श्रृंग, ऊपर उठा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं श्रृंग, और ये धसे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं गर्त। सिंह श्रृंग और गर्त पाए जाएं ऐसे पर्वतों को हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि इसका इसका जो है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ, तो अरावली पर्वत का निर्माण जिस काल में हुआ उसको हम क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में जो है कि अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आइए हम लोग समझ लेते हैं इसका विस्तार के बारे में। ठीक है, देखिएगा, यहाँ ये आपका हो गया गुजरात, और ये आपका हो गया दिल्ली। तो अब देखिए अरावली पर्वत है, ये देखिए पर्वत श्रृंखला है ना, इस पे कई पहाड़ियाँ होंगी,
ये दिल्ली में एक पहाड़ी है आपका, जिसका नाम है, याद रखिएगा, राय सीना पहाड़ी नाम है इसका, ठीक है। इसी राय सीना पहाड़ी पे आपका एक भवन स्थित है, उस भवन का नाम क्या है? उस भवन का नाम है राष्ट्रपति भवन, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला क्षेत्र लिख रहा हूँ, राजस्थान। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि जो अरावली पर्वत है, अरावली जो पर्वत है वो जो है कि कितने राज्यों में उसका विस्तार है? तो अरावली पर्वत का विस्तार जो है, देखिए यहाँ दिल्ली है, यहाँ बीच में हरियाणा पड़ेगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका राजस्थान है, राजस्थान यहीं पे, राजस्थान में एक झील है, कौन सी झील है? सांभर झील, ठीक है। यहीं पे एक झील है सांभर झील, सांभर झील से होके एक नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ आई, यहाँ ये जो है कि अरावली पर्वत का कटाव करके ऐसे राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए गुजरात में पहुँचती है। तो गुजरात में जहाँ पहुँचती है उसका नाम, उस स्थान का नाम है कच्छ का रण, कच्छ का रण है। देखिएगा डायग्राम एक बनाते हैं, समझिएगा, ठीक है। ऐसे ये देखिएगा कच्छ का रण में जब पहुंचती है, तो पहले इसका नाम जान लीजिए, ये जो नदी यहाँ से निकल रही है इसका नाम है लूनी, लूनी नदी है, ठीक है। तो लूनी नदी है, अब यहाँ से ये जब निकल के ऐसे आ रही है कच्छ के रण में गिर रही है यहाँ पे, तो कच्छ का रण जो है ये रेतीला है, यहाँ रेत है, तो रेत क्या कर रहे हैं, इस नदी के संपूर्ण जल को अवशोषित कर ले रहा है, नदी के संपूर्ण जल को अवशोषित कर ले रहा है, जिसके कारण ये नदी यहीं पे आके समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का आशय ये है कि जब इसका जल अवशोषित हो जाता है तो ये वाला भाग जो है दलदल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह लूनी नदी जो है एक अंत अपवाह नदी है, अपवाह नदी है। अंत अपवाह नदी का मतलब है कि, अंत अपवाह नदी का मतलब है कि ऐसी नदी जो भूमि के अंदर प्रवाहित हो रही हो, भूमि के अंदर प्रवाहित होती है, ऐसी नदी को हम लोग कहते हैं अंत अपवाह नदी, ठीक है। तो अब देखिएगा ये लूनी नदी है, लूनी नदी के इस साइड में आपका एक पहाड़ है, पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी का नाम है माउंट आबू पहाड़ी, ठीक है। तो इस पे हमें एक चोटी है, उसको याद रखना होगा, माउंट आबू पहाड़ी पे एक चोटी है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, उस चोटी का नाम है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर उस चोटी का नाम है जो माउंट आबू पहाड़ी पर है स्थित है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब आइए, अब देखिए यहाँ अरावली पर्वत है, यहाँ यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम, इस नदी का नाम है बनास, ठीक है। और इधर से एक नदी आपकी आती है ऐसे, जिसका नाम है चंबल। बनास नदी जो है अपना पूरा संपूर्ण जल जो है चंबल नदी को दे देती है, तो इस प्रकार से चंबल की सहायक नदी, जो सहायक नदी है चंबल की, जो है सहायक नदी क्या है, बनास है आपका, चंबल का जो है सहायक नदी बनास है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल कुछ जगह खारा है तथा कुछ जगह
मीठा पाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पीसीएस में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी नदी है भारत की जिसका जल कुछ जगह खारा और कुछ जगह मीठा पाया जाता है? ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्षेत्र में हमें क्या क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहीं पे इसके क्षेत्र में अब हमें क्या क्या प्राप्त होगा। अरावली श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके क्षेत्र में हमको क्या क्या मिलेगा? तो देखिएगा क्या मिलेगा, लिख रहा हूँ यहाँ पे, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, सेल खड़ी और जिप्सम। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ से मिलेगा। ये जो चीज़ मिल रही है यहाँ से, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, सेल खड़ी, जिप्सम, ठीक है, तो इन इनसे क्या किया जाता है? इनसे जो है मकान का निर्माण किया जाता है। इसको हम लोग पूरे को मिला के एक शब्द में क्या कह देंगे, भवन निर्माण सामग्री। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम देंगे मिला के, कह देंगे सम भवन निर्माण सामग्री। ठीक है, अब अरावली पर्वत यहीं पे समाप्त होता है। अब अरावली पर्वत के बाद दूसरा पठार जो था हमारा कौन सा था, मालवा का पठार। आइए मालवा के पठार को भी हम लोग देखते हैं। मालवा का पठार, ठीक है, तो मालवा का पठार जो है उसका जो है कि विस्तार किन-किन क्षेत्रों में है? तो मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। अब देखिएगा राजस्थान, और तो यहाँ पे जो चट्टान पाई जाएगी वो चट्टान आपकी होगी बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, मालवा का पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाने के कारण यहाँ की जो मृदा होगी कैसी होगी, काली। अब काली मृदा में सबसे अधिक किस प्रकार की कृषि की जाएगी? तो काली मृदा में जो कृषि होगी आपकी वो होगा कपास का। ठीक है, इतना हो गया। अब मालवा के पठार पर, मालवा के पठार में देखिएगा यहीं पे एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है चंबल नदी। इस चंबल नदी पे आपको तीन बांध बनाए गए हैं जिनको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए पहला राणा सागर बांध, दूसरा जवाहर सागर बांध, और तीसरा जो है आपका गांधी सागर बांध। ठीक है, इन बांधों को याद रखिएगा आप। इनमें से देखिएगा दो बांध राजस्थान में है आपके, और एक बांध जो है वो एमपी में है। तो कौन कौन से हैं उसको देखिएगा, बता रहे हैं यहीं पे। ये राजस्थान में है आपका राणा सागर बांध, और ये भी राजस्थान में ही है। कोटा में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, वहीं पे पड़ता है, और ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, बस यहाँ तक मालवा के पठार में, बस यहीं तक। अब इसके बाद आगे देखते हैं। मालवा के पठार के बाद अब हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड
पठार। ठीक बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार में हमें क्या देखना है? पहले तो इसका विस्तार जान लें हम लोग। तो इसका विस्तार एमपी और यूपी के क्षेत्र में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो चट्टान पाई जाएंगी, ग्रेनाइट या निस चट्टान पाई जाएंगे। ठीक है, ग्रेनाइट एवं निस चट्टान यहाँ पे पाई जाएगी। ग्रेनाइट एवं निस चट्टान पाई जाने के कारण यहाँ की जो मृदा होगी वो कैसी होगी? लाल मृदा पाई जाएगी। तो लाल मृदा में जहाँ भी लाल मृदा पाई जाएगी वहाँ पे जो है कि आपके मोटे अनाज पाए जाएंगे, उगाए जाएंगे। तो देखें आप लिख दे रहे हैं, मोटे अनाज उगाए जाएंगे। तो मोटे अनाज में देखिए कौन सी फसल आती है, एक आती है दलहन और दूसरा आपका आता है तिलहन। ठीक है, तो दलहन में आप देख लीजिएगा ज्वार, बाजरा, मक्का, मटर, चना। ठीक है, और भी हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग। और तिलहन में देखिएगा सोयाबीन और अलसी, मूंग, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी के बाद तिल। ठीक है, लाल मृदा पाई जा रही है, लाल मृदा पाई जा रही है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक ऐसे बन सकता है कि सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो सोयाबीन के उत्पादक में सबसे अग्रिम जो राज्य होगा आपका वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा जो है कि सोयाबीन का उत्पादन किया जाएगा। अब देखिए इसी पे हमको दो नदियाँ देखनी है, एक देखना है केन और एक है बेतवा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिएगा दो नदियां यहाँ पे प्रवाहित होंगी, कौन कौन सी? एक आपका केन, एक आपका बेतवा, याद रखना है बुंदेलखंड पठार पे। तो ये जो बेतवा है ना, बेतवा नदी, इस पे एक बांध बनाया गया है, माता टीला बांध। ठीक है, माता टीला बांध जो है कि मध्य प्रदेश और यूपी, ये खासकर देखिएगा ये जो बनाया गया है ये कहाँ पे है, ये आपका झांसी में है। ये माता टीला बांध से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ यूपी में, यूपी में आपके 7 जिले देख लेना है हम लोगों को, 7 जिले महत्वपूर्ण जिले हैं। तो लिख रहे हैं यहाँ पे झांसी, झांसी, ललितपुर, झांसी, ललितपुर और जालौन। ठीक है, झांसी, ललितपुर और जालौन को मिला के एक जो है कि वो बना दिया गया मंडल, उस मंडल का नाम क्या रखा गया? झांसी मंडल। ठीक है, 3 ये हो गए। और उसके बाद जो दूसरा मंडल बनाया गया वो चित्रकूट बनाया गया, उसमें जो है कि आपके 4 जिले महोबा,
चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट, बादा और आपका एक जिला पड़ गया हमीदपुर। ठीक है, ये यूपी स्पेशल से संबंधित है। तो ये जो है ये कौन सा मंडल हो गया आपका? चित्रकूट मंडल। ठीक है, यहाँ से जितना क्वेश्चन बनना था उन सबको हमने बता दिया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वत। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वत, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार दिए, एक बार पहले डायग्राम से समझ लीजिए आप। ये देखिए, ये आपका एक पर्वत था, क्या विंध्याचल, उसके दक्षिण में जो था आपका सतपुड़ा। ठीक है, तो अब देखिएगा, विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांट रहा है, इधर उत्तर भारत और इधर दक्षिण भारत। ठीक है, बस यही समझाने के लिए बनाए हैं। तो आइए समझते हैं, ये जो है कि आपका यहाँ देखिए गुजरात यहाँ आपका पड़ेगा, यहाँ से लगा के ऐसे चला जाएगा बिहार में, बिहार के पश्चिम में एक जिला पड़ता है आपका कैमूर जिला। तो यहाँ पे जो है कि विंध्याचल पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए आपका ये ऊपर यूपी और यहाँ एमपी हो जाता है। ये यूपी और एमपी के मध्य जो है सीमा मतलब बॉर्डर बॉर्डर बना देती है। एमपी में यहाँ आपके दो जिले पड़ेंगे, जानिएगा, पहला सोनभद्र, दूसरा मिर्जापुर। ठीक है, और एमपी में यहाँ आपका पड़ेगा सतना, रावी और एक तो पड़ेगा क्या उसका नाम है, यहाँ पे आपके तीन जिले पड़ेंगे, एक सतना हो जाएगा और रावी हो जाएगी एक, और एक और जिला आ जाएगा, नाम नहीं याद आ रहा है, उसको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ दो यहाँ जिले आपके यूपी के और यहाँ तीन, सतना, कटनी और शायद रावी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो है कि विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल जो पर्वत है आपका, ठीक है, ये जो है भारत को विभाजित करती है, तो इसलिए इसको भारत का विभाजक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक उत्तर भारत हो जाता है और एक आपका दक्षिण भारत हो जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब जो है कि इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाएगा उसको देख लेते हैं। क्षेत्र में क्या क्या पाया जाएगा, इस क्षेत्र में जो है अधात्विक खनिज की क्या होगी, प्राप्ति होगी हम लोग को। अधात्विक खनिज कौन कौन से होंगे देखिएगा, बालू का पत्थर, बालू पत्थर, सेल खड़ी, जिप्सम, संगमरमर, बालू पत्थर और चूना पत्थर। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनसे जो है कि मकान वकान बनाए जाते हैं, तो इसको एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं भवन
निर्माण सामग्री, ठीक है, भवन निर्माण सामग्री की संज्ञा देंगे। और देखिएगा, जहाँ भी जो है कि अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये देखिए यहाँ अधात्विक खनिज पाया जाता है जिप्सम। जिप्सम से क्या बनता है? सीमेंट। तो यहाँ पे एक उद्योग लगाया जाएगा, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग आपका कहाँ लगा है वो आपको याद रखना है, चुनार में, चुर्क चुनार में आपका जो है कि जिप्सम का वो उद्योग लगाया गया है। उस उद्योग का नाम क्या है? तो सतना, रीवा और कटनी, तीन तो याद रखना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे सोनभद्र और जो है कि चुनार मतलब मिर्जापुर पड़ता है दो, ठीक है। तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत समाप्त हो गया। अब आइए एक और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। सप्त पूर्णा पर्वत, ठीक है, इसका विस्तार यहाँ पे गुजरात है आपका, गुजरात से लेकर यहाँ आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है कि सतपुड़ा पहाड़ी को महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत को छत्तीसगढ़ में महा मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो है कि सतपुड़ा पर्वत जो है उसको महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महादेव पर्वत पर ही आपकी एक, इसी पे आपकी एक ऊंची चोटी है, सर्वोच्च, हम लिखते हैं सर्वोच्च चोटी, मतलब सतपुड़ा की, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी इसी महादेव पर्वत, जहाँ एमपी में इसको महादेव के नाम से जाना जाता है, तो यहीं पे है एक सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है धूपगढ़, ठीक है, इसका नाम है धूपगढ़। और यहीं पे आपको एक महादेव पर्वत पे ही आपका एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है, कौन सा स्थल है? पर्यटक स्थल है, जिसका नाम क्या पड़ेगा? उसका नाम है पंचमढ़ी, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। तो एमपी में महादेव पर्वत के नाम से जानते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, आया सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़, ठीक है। अब आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, मैकाल पर्वत, ठीक है, ये आपका मैकाल पर्वत है। यहीं पे आपका एक पठार पड़ता है, ठीक है, ये पठार है, इस पठार को कहते हैं अमरकंटक का पठार, अमर कंटक पठार, ठीक है। तो यहाँ से आपकी दो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, दो नदियाँ में एक नदी है नर्मदा, आपकी नर्मदा नदी, और दूसरी जो है कि सोन नदी है, ठीक है। हालांकि ये अमरकंटक जो पठार है ये एमपी और जो है कि छत्तीसगढ़ दोनों में है, तो ये उद्गम स्थान जो इसका होगा वो एमपी एमपी से ही होगा, इसका केंद्र बिंदु जो है एमपी से ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा गुजरात, गुजरात में सतपुड़ा पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? राज पीपला पर्वत, राजपीपला पर्वत के नाम से जाना जाता है गुजरात में। बस इसमें यहीं तक, थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।